वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। यहाँ पर देखो आज है मेरे पास दो बड़े ही कमाल के रोबोट और दोनों ही रोबोट जो है वॉरियर रोबोट्स है। तो भाई अपना पहला वाला रोबोट देखो मैक वॉरियर पुलिस रोबोट है। तो अपना दूसरा वाला रोबोट देखो बड़ा ही कमाल का और इसका नाम है बाहुबली रोबोट। इसका साइज तो देखो गाइस क्या ही बड़ा वाला रोबोट है और ये जो रोबोट है काफी खतरनाक तरीके से फाइट वगैरह कर सकता है। दोस्तों आज देखेंगे दोनों में से ये वाला रोबोट जीत पाता है या फिर ये वाला रोबोट। चलो कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल रोबोट। तो भाई ये आ गए अपने दोनों रोबोट टेबल पर। रेड कलर वाला रोबोट बता देता हूँ, देखो इसके बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इतना ज्यादा बड़ा है, देखो मैं पूरा बॉक्स नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। फटाफट से चलो इसको मैं निकाल लेता हूँ। देखो आ गया अपना रोबोट, क्या ही कलर है भाई इसका, देखो व्हाइट रेड ब्लैक, पीछे की तरफ से भी देखो एकदम कमाल का है। देखो ये रहा इसका रिमोट, एक रोबोट के फेस की तरह ही इन लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। इसके रॉकेट जो है हमें यहाँ पर लगाने होते हैं। इसको अनबॉक्स करते हैं, क्या ही वजनदार रोबोट है गाइस। रोबोट क्या क्या कर सकता है यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। चलो फटाफट से इसको भी बॉक्स के अंदर से निकालते हैं बाहर अपन। वाओ क्या ही पैक होके आता है, देखो गाइस ये रोबोट। रोबोट के साथ मिला है एक चार्जर और इसके कुछ डार्ट्स है और ये जो अपना रोबोट है पूरी तरीके से रिचार्जेबल है। और यहाँ पर है इसका रिमोट, ये देखो गाइस कितने ढेर सारे बटन्स मिलते हैं हमें इसके रिमोट के अंदर। दोनों का साइज कंपेयर करके देख लेते हैं। अपना व्हाइट ब्लैक कलर वाला रोबोट है इससे थोड़ा सा बड़ा नजर आता है, इससे जो है थोड़ा सा मोटा और तगड़ा भी नजर आता है ये अपना व्हाइट वाला रोबोट। इसका ये जो फेस है, फेस के अंदर बहुत सारे लाइट्स दिए हुए हैं। दोनों ही आर्म्स को जो है हम लोग रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इसका स्टॉप का बटन दिया हुआ है पीछे की तरफ, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। पीछे यहाँ पर देखो गाइस काफी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल दिया हुआ है, तक इसकी बिल्ड क्वालिटी है काफी अच्छे प्लास्टिक से इसको बनाया गया है। यहाँ पर एक कैनन भी दिया हुआ है। यहाँ पर हमें तीन डार्ट्स डालने होते हैं। इसके हाथ में कुछ अपन लोग एक वेपन वगैरह भी दे सकते हैं, ये वाले हाथ में वायर्स है देखो गाइस इसके अंदर यहाँ पर आकर कनेक्ट होते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पर देखो दो दो व्हील्स देखने को मिलते हैं। रेड कलर के रोबोट के बारे में ये देखो गाइस, ये जो है ना पूरी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मर का लुक दिया हुआ इन लोगों ने। पांच हम लोग डार्ट्स लगा सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर जो है सिर्फ तीन ही डार्ट्स लगा सकते हैं। ये चीज इसके अंदर मेरे को काफी बढ़िया लगी। यहाँ से हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, पीछे की तरफ से यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पर देखो गाइस बैटरी डालने के लिए दिया हुआ है, हमें इसके अंदर चार डबल ए बैटरीज डालनी होती है। ये जो इसके हैंड्स है हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं रिमोट को यूज करके। पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पर काफी अच्छा प्लास्टिक दिया हुआ है। यहाँ पर दो व्हील्स है, यहाँ पर दो व्हील्स दिए हुए हैं। दोनों के रिमोट में से ये जो रिमोट है बहुत ही ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा बटन्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखो आईआर सेंसर है इसके अंदर भी, यहाँ पर ऊपर की तरफ आईआर सेंसर हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर भी पीछे की तरफ हमें दो डबल ए बैटरीज डालनी होती है। दोनों में से जो है ये वाला रिमोट मेरे को बहुत ही ज्यादा अलग दिखा। डार्ट जो है बहुत ही आसान तरीके से हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, देखो इस तरह से जस्ट आपको पुश कर देना, ये डार्ट जो है अंदर जाकर फिक्स हो जाएंगे। इस वाले रोबोट के अंदर भी डालने के लिए हमें पांच डार्ट्स मिलते हैं, पर इसके हैंड के अंदर जो कैनन दिया हुआ है तीन ही स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। इस तरह से पुश करना है और ये जो डार्ट्स है अपने यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो देखो यहाँ पर मैंने लगा दिया है। इन डार्ट्स के अंदर मेरे को छोटी सी एक प्रॉब्लम लगी, ऊपर वाला रबर का पार्ट है ये एक दूसरे से मिल रहा है, तो जब हम इसको फायर करेंगे तो ये सही से फायर नहीं हो पाएगा। मैं काम करता हूँ, ये जो ऊपर वाला रबर का पार्ट है इसको निकाल देता हूँ। कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं दोनों में से कौन सा रोबोट है सबसे ज्यादा पावरफुल। तो भाई अपने दोनों ही रोबोट जो है पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। पहले अपने व्हाइट वाले रोबोट को चेक कर लेते हैं। रिमोट के अंदर हम जैसे ही लेफ्ट वाले बटन दबाते हैं ये जो रोबोट है देखो लेफ्ट को या फिर राइट को या फिर आगे या फिर पीछे इस तरह से स्लाइड करता है। राइट वाले बटन दबाने पर देखो गाइस इस तरह से स्टेप बाय स्टेप भी चलने लगता है जैसे कि इंसान चलते हैं। तो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो ये इस तरह से मूव भी करता है लेफ्ट को या फिर राइट को। और एक चीज देखो गाइस ये पूरी तरीके से 360 डिग्री भी रोटेट हो सकता है। लेफ्ट वाला हैंड भी इस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकता है, राइट वाला हैंड भी ऊपर और नीचे की तरफ इस तरह से मूव करता है। तो भाई ये देखो इस तरह से थोड़ा बहुत डांस वगैरह भी आपको करके बताता है और काफी अच्छा खासा एंटरटेन भी कर देता है ये वाला रोबोट। तो इसके अंदर मैंने अभी फायर का बटन दबाया है, देखते हैं किस तरह से फायर करता है। तो देखो गाइस इसने यहाँ से अपना हाथ जो है ऊपर कर दिया है और ये कैनन को यहाँ पे शूट कर रहा है। तो भाई इसके अंदर से जो रॉकेट्स निकलते हैं उतने स्पीड से निकल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये स्टोरीज वगैरह सुना सकता है, काफी अच्छा खासा डांस वगैरह भी करके बता सकता है। तो यहाँ पर देखो अभी ये स्टोरी वगैरह सुना रहा है। तो भी अपने रेड वाले रोबोट को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर शूट करके देख लेते हैं इसका कैनन। ओ भाई क्या ही स्पीड से शूट कर रहा है, देखो यार।
बहुत ज्यादा स्पीड है इसके कैनन की और काफी ज्यादा पावरफुल कैनन दिया हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर से जो रॉकेट्स निकलते हैं बहुत ही ज्यादा स्पीड से निकलते हैं। ये भी जो रोबोट है हम लोग पूरी तरीके से लेफ्ट को या फिर राइट को मूव करा सकते हैं। इसकी एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी, ये जो रोबोट है ना यार स्टेप बाय स्टेप नहीं चल सकता है, सिर्फ देखो गाइस ये इस तरह से स्लाइड करके ही चल सकता है। और इसके अंदर भी जो है बहुत सारी म्यूजिक वगैरह दी हुई है और देखो ये इस तरह से सॉन्ग्स वगैरह भी चला के आपको बता सकता है। तो यहाँ पर होगी दोनों के बीच में आमने सामने वाली फाइट, देखते हैं कौन सा रोबोट किसको गिरा पाता है। तो भाई यहाँ पर देखो अपना व्हाइट वाला रोबोट जो है इसको पूरी तरीके से नीचे गिरा दिया है। यहाँ दोनों के बीच में होगा थग ऑफ वॉर, देखते हैं। ओ भाई यहाँ पर भी देखो व्हाइट वाले रोबोट ने इसको घसीट के लेके जा रहा है, बहुत ज्यादा पावरफुल है हमारा व्हाइट वाला रोबोट। रेड वाले रोबोट का कैनन का देखो गाइस पावर, यहाँ पर मैंने इसके सामने थोड़े से ग्लासेस रख दिए थे, देखो यार स्लो मोशन में क्या ही शूट करता है भाई साहब ये। तो अपने व्हाइट वाले रोबोट का कैनन भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ, देखो यार इसमें दम है ही नहीं, इसका जो कैनन है उतना ज्यादा पावरफुल है ही नहीं। इसके अंदर से ये जो डार्ट्स निकल रहे हैं बहुत ज्यादा दूर तक जा नहीं पा रहे हैं, सामने ही गिर जाए। अरे यार ये क्या कर दिया इसने, पूरी तरीके से सारे ग्लासेस को इसने गिरा दिया है। पे देखो अपना ये जो व्हाइट वाला रोबोट है पूरी तरीके से बाहुबली बन चुका है, इसने तो भाई रॉक क्रॉलर को एक हाथ में उठा रखा है। तो यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, इसके हाथ में एक और कार दे देते हैं, देखते हैं। ओ भाई देखो दोनों कार्स को एक साथ इसने उठा रखा है, तो काफी अच्छी तरीके से स्लाइड करके चला जा रहा है। ओ भाई मजा आ गया गाइस, बहुत ज्यादा पावरफुल है यार ये व्हाइट वाला रोबोट। रेड वाले भी हाथ में देखो मैंने एक रॉक रोलर दे रखी है, तो ये भी जो है काफी अच्छी तरीके से स्लाइड करके चल रहा था। अभी देखो गाइस इसके ऊपर मैंने दो दो कार्स रख दी है, तो यहाँ पर ये पूरी कोशिश कर रहा है। ओ नहीं यार ये तो नीचे ही गिर पड़ा। गाइस नाइट में दोनों के अंदर कितनी लाइट्स यहाँ पर दी गई है मैं आपको दिखा रहा हूँ। रेड वाले रोबोट के अंदर बहुत सारी लाइट्स हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड सरफेस है, इसके ऊपर चला के देखते हैं दोनों रोबोट्स को चल पाते हैं कि नहीं। रेड वाला रोबोट तो यहाँ पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, वो चल ही नहीं रहा यार। व्हाइट वाले रोबोट को देखो थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा है चलने के लिए और काफी अच्छी तरीके से हार्ड सरफेस में भी ये जो रोबोट है चल सकता है। एक और बार मैं आपको बताता हूँ इसका ये जो कैनन है कितना बेकार किस्म का इन लोगों ने दे रखा है। देखो गाइस ये शूट कर रहा है प्रॉपर तरीके से, इसके अंदर से जो डार्ट्स निकलती है वो निकल ही नहीं पाती है। रेड वाले रोबोट के अंदर देखो गाइस एकदम से धड़ाधड़ तरीके से पांचों जो डार्ट्स है निकलने लगते हैं। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको दोनों में से कौन सा रोबोट अच्छा लगा, व्हाइट वाला या फिर रेड वाला, नीचे कमेंट करोगे इस फटाफट से अभी का भी। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शॉर्ट आउट, तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है अजहर, हरिवक्षा, संजय सोनी, रियांश, योजित, सक्षम, सारांग, अभिराज, सुमित मौर्य, जायद। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी आप अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड, मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह आपको धमाकेदार रोबोट्स के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।